नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। अज्ञात कारण से आग लगने में लाखों का सामान जलकर राख, साथ में जला एक 7 वर्षीय बच्चा। जनपद कुशीनगर के थाना बिशनपुरा के अंतर्गत ग्राम सभा इंद्रपट्टी के ताद टोले में करीब लगभग 10 बजे की घटना बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नूरदीन दीवान पुत्र रजाक दीवान खाना खा पी कर आराम से घर में सो रहे थे। अचानक आग की लपटें घर के चारों तरफ से दहकने लगी। आनन फानन में पीड़ित केवल अपनी जान ही बचा पाए और उसी घर में एक 7 वर्षीय बच्चा साहेब हुसैन सो रहा था। बच्चे को बचा पाते तब तक बच्चे का आधा शरीर जल चुका था। ठंड के मौसम होने के कारण रात में कोई कार्रवाई नहीं हो सका। आज सुबह सूचना पाकर ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव, क्षेत्र पंचायत अमीर हुसैन मौके पर पहुंचे और पीड़ित को कुछ सहयोग राशि देकर सबसे पहले बच्चे को एम्बुलेंस के सहारे दुधही सीएससी भिजवाए और आगे की प्रक्रिया में जुट गए। खबर लिखे जाने तक हल्का लेखपाल मौके पर नहीं पहुंचे थे और ना ही पीड़ित के पक्ष में कोई कार्रवाई किए थे। दुख की बात यह है कि बीते वर्ष इन लोगों का घर नदी से सटे बिहार में था। जब बाढ़ आया तो इन लोगों का घर के साथ खुशियां भी गंगा में बह गई। उसके बाद वहां से यहां पर आकर ज़मीन खरीद कर किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे और आज घर के साथ घर का पूरा सामान भी जल गया, साथ में 7 वर्ष का बच्चा भी बुरी तरह से जल गया है। अब इन परिवार वालों को एक वक्त की रोटी कपड़ा मकान कौन देगा? अगर सरकार चाहे तो पीड़ित परिवार को सहयोग कर जीवन बचा सकता है। जय हिंद। क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन सर। एक ग्राम सभा, क्या नाम है आपका? इंद्रपट्टी साहिब। ये आग जो लगा है कितनी देर पहले का लगा हुआ है? 10 बजे के रात में। रात में किससे आग लगा था? वो आग हम लोग खाना बना के चले आए, उसके बाद में काज काज में लग गया। अच्छा, बोले कि कितने तक का सामान जला हुआ है? पूरा टोटल सामान जल गया है, एक भी नहीं निकला हुआ? एक भी नहीं निकला। कपड़ा लाता, बैग, वो सब कुछ उसी में था? सब उसी में था। ये बतलाइए, उस वक्त मतलब 100 नंबर को डाल किए थे आप लोग? नहीं। प्रशासन आई थी? नहीं, प्रशासन नहीं आई थी। और हल्का के लेखपाल भी आए थे? प्रधान आए हैं। ठीक। मालिक के बारे में ये बतलाओ कि सबसे पहले कितना देर